हम कन्फेशन करेंगे, कबूल करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं, कबूल करते हैं, तो अगर हम हिंदी भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो हिंदी भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम इंग्लिश भाषा में इन शब्दों को बोलना चाहो तो इंग्लिश भाषा में बोल सकते हैं। अगर हम अपनी भाषा में समझ के साथ बोलना चाहो तो वैसे कर सकते हैं। लेकिन हमने बहुत से बोलना बेहद ज़रूरी है। ऑल दैट आई एवर रिक्वायर, वेदर मनी, ideas or human and material resources have been granted me in Christ Jesus. I have everything required for an extraordinary life of righteousness and glory, everything that's necessary for me to live and excel in the God life. Christ is in me and Christ is everything. Hallelujah. Sab kuch जो भी मुझे चाहिए, चाहे वो पैसे, युक्ति या मनुष्य या चीज़ें और उसके स्रोत, सब कुछ मुझे दे दिया गया है मेरे अंदर मसीह यीशु में, जो मुझ में मौजूद है। मेरे पास सब कुछ मौजूद है, जो भी मेरी ज़रूरत है असाधारण जीवन जीने के लिए, ऐसा जीवन जो धार्मिकता और महिमा से है। सब कुछ जो मुझे ज़रूरी है जीने के लिए और परमेश्वर के जीवन को ऊंचे पर जीने के लिए, मसीह मेरे अंदर और मसीह मेरा सब कुछ। हालेलुया। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट के लिए जो वचन है, साम्स 23 चैप्टर 1 वर्स, GNB गुड न्यूज़ बाइबल ट्रांसलेशन में से पढ़ना है। सेकेंड पीटर 1 चैप्टर 2-3 वर्स, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड ट्रांसलेशन में से पढ़ना है। एफिशियंस 1 चैप्टर 3 वर्स हम किंग जेम्स वर्शन में से हमेशा की तरह पढ़ेंगे। आज मनन करने के लिए जो वचन है, भजन संहिता 23 अध्याय का एक वचन, दूसरे पत्रस की पत्री 1 अध्याय 2-3 वचन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 3 वचन। हम इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो अलग अलग ट्रांसलेशन में से पढ़ते जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे ट्रांसलेशन बताए उसी में से हम पढ़ेंगे। लेकिन हिंदी में जब पढ़ेंगे तो सारे वचन BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। रिबांति खबा असी एस्केलर बाह असे स्किन बा अश्कर खतीन रुबान तकासा अजीज किन बराहा अदात किन बिरखेल लरबाहा अखास के रुबाहम बराहासा जेदीन इकम लोगो रोहो सिखित किन बराहा सिखित किन इल रहा सियांदुरो रेदीन इकिल अर्रखा सी इकित किन बा असी हाकुब रहासा जेदीन इकम शखे रिबेखे सिखित किन बराहासा रदन इकिम उराहा सिखित किन बराहा से जिदिल इल लखसी इजेस किन बा असी हाकुब रहा सा जदेन इक हम रोगोश कर खासी ए लर बहा से जोहित किन बा असेस किन बा उखत किन बा अरे के तीन रल्ला बा खासे जहतो लल्लाह असे सिखे तीन अर बहा रदीन इक हम रोगोश कर खासी इकित किन बा असी हा लर बहा सा जहेज गुल बा अस के तीन रल्ला बा खासे हिकत किन बा असी हा दुरो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर। थैंक यू जीसस। साम्स
23 चैप्टर 1 वर्स हम पढ़ेंगे गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन में से। गुड न्यूज़ ट्रांसलेशन में से हम पढ़ेंगे रिबांति खाबा असी हिसे ले रबाहा अखातकिन बा ओसी हाला रबाहा सा जदीन इकुम ब ओसे लरबाहा हगतकिन बा असेस्किन ब उश्कर खा सिहांतुरा रदीन इकुम रुखुल रहा अखतकिन बा असे हिलरबाहा सा। थैंक यू जीसस शाबिन तिखिल रहा असेस्किन बा ओसे हिलरबाहा सा जहज गुन और बहो सुहर खा तीन रह लरबाहा खा सा जहदकिन ब अखसी हिकतकिन ब ओसे लरबाहा खा सी आंदुरा रदीन इकुम ओशकर खसी इकतकिन ब रहा सिहतकिन ब रहा सा जिदाल्ला ब अखसे हिकतकिन ब असीहा खूब रहा से है। थैंक यू जीसस शब याकूब लगा रहा सा शब याकूब लगा रहा अददकिन बा असीहा खुम रखा सा द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई हैव एवरीथिंग आई नीड। और एक बार पढ़ेंगे साम्स 23 चैप्टर वर्स 1 द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई हैव एवरीथिंग आई नीड। हमने पढ़ा गुड न्यूज़ बाइबल ट्रांसलेशन में से, अब हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI ट्रांसलेशन में से। भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी न होगी। और एक बार पढ़ेंगे BSI ट्रांसलेशन में से भजन संहिता 23 अध्याय 1 वचन यहोवा मेरा चरवाहा है मुझे कुछ घटी न होगी। रिदाल्ला बा अखसी हिकतकिन बा असीहांतुरा। हम पढ़ेंगे अगला वचन 2 Peter 1:2-3 NASB वर्शन में से। 2 Peter 1:2-3 NASB वर्शन में से रिदाले बे एकसी हिजस्किन बा ओसी ही लर बहासा। हम न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में से पढ़ रहे हैं 2 Peter 1:2-3 Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord, for His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. और एक बार पढ़ेंगे 2 Peter 1:2-3 न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल में से ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड टू यू इन द नॉलेज ऑफ गॉड एंड ऑफ जीसस आवर लॉर्ड फॉर हिज डिवाइन पावर हैज़ ग्रांटेड टू अस एवरीथिंग पर्टेनिंग टू लाइफ एंड गॉडलीनेस थ्रू द ट्रू नॉलेज ऑफ हिम हु कॉल्ड अस बाय हिज ओन ग्लोरी एंड एक्सलेंस। इसी वचन को हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से हिंदी में रिबांतिका से खियाला रबाहा अखतकिन ब ओसी हिल रबाहा खासी आंदुरो रदीन इकिम ओशकर खासी हिल रबाहा खासा। दूसरे पत्रस की पत्री 1:2-3 BSI बाइबल में से पढ़ेंगे दूसरे पत्रस की पत्री 1:2-3 परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। और एक बार पढ़ेंगे पत्रस की दूसरी पत्री 1:2-3 BSI बाइबल में से पढ़ेंगे परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। थैंक यू जीसस जिदिन अन आहबा खासी इकतकिन बराहा सेस्किन बरोहुशकर खासी आंत कुम बरोहसा रदीन इखल रबा खासे इखस्किर बोहुशकर खासी आंत कुम बरोहसा।
लहत कुन बिरखे लरहा अदित किन बा असिहास खुल बराहन सरा। हम पढ़ेंगे एफिशियंस 1:3 हमारे रेगुलर किंग्स जेम्स वर्जन में से हम पढ़ेंगे जो हमेशा हम पढ़ते हैं एफिशियंस 1:3 किंग्स जेम्स वर्जन में से। Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. और एक बार पढ़ेंगे Ephesians chapter 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. इसी वचन को हम पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से इफिसियों की पत्री रेदिन इखल रबाखा से सेस्किन बा असिहा स्किल बरहासा जेदिन इखेम रुखुम रुखो से लरबाहा अखातकिन बे इखे सियांतुरो। एक अध्याय का 3 इफिसियों के पत्री 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। और एक बार पढ़ेंगे इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री 1:3 हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। थैंक यू जीसस। जिबेल लरहा अखातकिन बारोहो उश्कर खतीन रुबांत असिया लरबाह कस। पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नया सृष्टि बनाया है। खुदा हम पिता परमेश्वर इस शरीर के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर केवल तेरे महिमा के काम करने के लिए हमें तूने रखा है। पिता परमेश्वर हमारा मकसद हमारा ध्येय हमारा एम्बिशन तेरे राज्य को फैलाना है। पिता परमेश्वर मनुष्य के लिए सब कुछ असंभव हो सकता है लेकिन परमेश्वर तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके लिए पिता परमेश्वर हम हर एक अंधेरा जो पिता हमारे समझ में पिता परमेश्वर छाया हुआ है जहां पिता परमेश्वर हम अपने रास्ते देख नहीं पाते हैं उस जगह में परमेश्वर पिता हमें ज्ञानी बना हमें बुद्धिमान बना हमें परमेश्वर समझदारी दे जहाँ से पिता परमेश्वर हम अपने रास्तों को चल सके और तेरे राज्य के कामों में पिता परमेश्वर हम खरे उतर सके। अब फादर गॉड हम विनती करते हैं कि हम पर अपने अनुग्रह कर हमें अपने आत्मा के द्वारा फिट एंड फिक्स कर ईश्वरीय रचना में हमें चला। नासरी यीशु मसीह के नाम में हमें ईश्वरीय रचना में ढल कर हमें ईश्वरीय डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने की हम तुझसे विनती करते हैं। नासरी यीशु मसीह के नाम में विनती करते हैं सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन आमीन।